वेलकम बैक टू स्ट्रीम बस। तो मैं आई हूँ आज आप सबको लेके चंडीगढ़ की दुर्गा पूजा में। तो चंडीगढ़ में दो जगह पूजा लगती है, एक लगती है बंगला भवन सेक्टर 35 में और एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कालीबाड़ी। तो चलिए मैं आपको दोनों जगह लेके चलती हूँ, पहले तो आज कालीबाड़ी देख लेते हैं फिर आगे थोड़ी देर बाद मैं बंगला भवन के दर्शन करा दूंगी। चलो लेट्स जंप टू द वीडियो। कालीबाड़ी एक बंगाली शब्द है जिसका ट्रांसलेशन है काली माता का घर। इस वर्ष कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा महोत्सव का 53वां वर्ष मनाया जा रहा है। पंडाल के बाहर ऐसे कई स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप चाहो तो कुछ खा सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी आपको इन स्टॉल्स में मिल जाएगा। हर साल दुर्गा पूजा के समय कालीबाड़ी के परिवेश में पूजा पंडाल लगाया जाता है और माँ का पूर्ण रूप से देखरेख की जाती है। नवरात्रों की सृष्टि से दुर्गा पूजा प्रारंभ होती है और दशहरे के दिन सिंदूर खेला के साथ समाप्त होती है। दुर्गा पूजा की हर शाम को होने वाले कल्चरल प्रोग्राम के लिए स्टेज भी बनाया और सजाया गया है। चलो मैं आपको कालीबाड़ी भी दिखा देती हूँ। बाड़ी में शिवलिंग और काली माता की मूर्ति रखी हुई है। भक्तों की भारी भीड़ दुर्गा पूजा देखने आई हुई थी। जब तक आप दर्शन कर रहे हैं तब तक मैं आपको चंडीगढ़ के कालीबाड़ी के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। कालीबाड़ी चंडीगढ़ का निर्माण 1960 में हुआ था, जब मुख्य रूप से रक्षा कर्मियों, पीजीआई चंडीगढ़ के प्रख्यात डॉक्टरों और अन्य नागरिकों सहित इन ऊर्जावान लोगों ने चंडीगढ़ में काली माता मंदिर बनाने का अपने सपने को हकीकत में बदला। यह मंदिर भारतीय वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ से सतह स्थान पर स्थित है। यदि आप 52 वर्ष पूर्व मंदिर के स्थान पर आते तो शायद आप इस जगह को पार करने से भी डर जाते। चलिए अब चलते हैं वापस दुर्गा पूजा के पंडाल में। पुष्पांजलि का समय हो गया है और आपको माँ के दर्शन करवाने का भी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप दुर्गा पूजा पंडाल आए हैं और आरती ना देखें ऐसा हो नहीं सकता। चलिए अब आप आरती भी देखें, ढाक की मधुर ध्वनि का आनंद लें और दोनों जी भी देखें। मैं आपसे आरती के बाद मिलती हूँ। Thank you.
आरती के बाद लगा था महाभोग। जितना लंबा इंतजार था उतना ही स्वादिष्ट लगा ये महाभोग। शायद इसलिए कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। भोग में दाल, चावल, आम की चटनी, पकौड़े और लाबरा सब्जी यानी कि मिक्स्ड वेजिटेबल्स थी। बड़े सालों बाद ये भोग खाकर मानो मैंने अपने मन को शांत व बचपन की यादें पुनः जी ली। इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहाँ समाप्त करते हैं। रिजुल को स्पेशल थैंक्स जिसने वीडियोग्राफी में मेरी मदद की। थैंक यू।